बिल्कुल नॉर्मल बच्चा होता है ना, ऐसे है। अच्छा, एपिलेप्सी का उसका था ना प्रॉब्लम। कितने साल के बच्चे थी? कितने साल की बच्ची? आपने दवाई स्टार्ट की थी तब वो 9 साल की थी। अच्छा, और 3 साल आपने दवाई दी? 3 साल तक कंटिन्यू। 3 साल कंटिन्यू। आपने 1.5 साल के लिए बोला था कि बहन जी 1.5 साल दोहन का नहीं रही, अगर नुकसान ही होगा तो मैं 3 साल रेगुलर करूंगी। मैंने 3 साल रेगुलर कर दी। और मैं ये पूछ रही थी तो उसको जैसे आप अभी ये बताओ कि अभी का कैसे, अभी मेडिसिन चल रहा है हमारा? हाँ, अभी मेडिसिन चल रहा है आपका। आपने 2 cc भेजी थी, उसमें से बची हुई है कुछ। अच्छा, तो अभी एलोपैथिक दवाई तो बंद हो गया? हाँ जी। अच्छा, एलोपैथिक दवाई, अंग्रेजी दवाई बंद हो गया, कितना समय हो गया? एलोपैथी दवाई तो जब से आपने ये दवाई स्टार्ट की थी ना, हाँ, हाँ, तब से बंद कर रखी है मैंने। अच्छा, तब से कोई दवाई नहीं दे रही, कोई किसी तरह की भी नहीं। अच्छा, वही हमारे दवाई अभी भी चल रहा है, सीसी में मैंने आपको दिया था। मैंने तो आपको 6-7 महीने पहले दिया था शायद, है ना? हाँ, वो 2 cc दी थी आपने बड़ी बड़ी। हाँ, एक में अभी कुछ बच रही है। अच्छा जी, अभी कैसा है? कितने समय हो गया दौरा बंद हुआ? 3 साल जब से आपकी दवाई स्टार्ट की है ना, 3 साल हो गए। अच्छा, दौरा एक भी चीज नहीं है? और उसके ग्रोथ हो रहा है कि नहीं बड़ी का? हाँ बिल्कुल, देखने से ऐसे लगता ही नहीं है 12 साल की, अच्छी लगती है, लंबी हाइट भी। मेमोरी पावर बड़ा कि नहीं? हाँ, मेमोरी पावर में भी फर्क पड़ा है। अच्छा अच्छा, हाँ जी बताइए, अब क्या कहना है आपने? अब मैं ये पूछ रही थी जैसे इसकी ना, मतलब एक तो लेफ्ट साइड वाली आंख ना बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा वीक है। क्या कमजोर है? लेफ्ट साइड वाली आंख। अच्छा, मतलब और एक इसको ना थोड़ी ना आंख में एलर्जी थी, तो मैं इसको गुड़गांव लेके गई थी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। तो उस उन्होंने महाघृत, महाघृत अच्छा है ना ये, महाघृत ये दिया है। अच्छा, महातिक्तघृतम। हाँ, तो फिर महातिक्तघृत। हाँ ठीक है, तो आप ये बताओ कि जब मेरे यहाँ से दवाई चल रहा था, सारे कुछ ठीक था, तो उधर क्यों लेके आए? मेरे से बात कर लेते, मैं ही दवाई भेज देता आपको। आपसे मैंने की थी भाई साहब, आपको याद होगा, आँखों के लिए। अच्छा, मैंने बोला था आपसे, तो आपने उस टाइम ये कहा था बहन जी इसकी दवाई नहीं देता मैं, मैंने खुद नहीं की थी भाई साहब, आपसे बढ़ के ज्यादा ट्रस्ट मैं किसी पे नहीं करती, और इसीलिए आपको मैंने फोन करके पूछ रही हूँ। हाँ, तो आपने शायद 1.5-2 साल पहले बताया होगा ना, तो उस समय मेरे पास था नहीं होगा, अभी मैं बनाता हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, अभी मैं ये तो ले आई, फिर अगली बार आप दे देना। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये मैं दे सकती हूँ महाघृत फलम, महातिक्तघृत? हाँ दे दीजिएगा। और एक ये अमृतारिष्टम सिरप दी है। अमृतारिष्ट सिरप? अच्छा हाँ, वो भी ठीक है। ये 2 चीजें दी है कुछ आपको सिर्फ, अमृतारिष्ट। हाँ जी, अमृतारिष्ट आँखों के लिए। आँखों में क्या हुआ बोले? एक तो इसकी ना नजर बहुत कम है। अच्छा, दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी लेफ्ट साइड वाली आईज में। और एक जैसे धूप में जाती है ना तो दबाती है आँख, बंद कर लेती है एक आँख। अच्छा, ये दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं थी। कोई बात नहीं, उसका भी बना देंगे, क्या दिक्कत है? उसका जो सबसे मेजर प्रॉब्लम था ना एपिलेप्सी का, वो ठीक हो गया। इसका ब्रेन हो गया अब, उसमें कुछ और दवाई कुछ, अब उस जो पहले अभी दिया हुआ है वो खत्म होने दो, उसके बाद इसको मैं कुछ दूसरे मेडिसिन देता हूँ जो कि आंखों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, वो भी उसी प्रकार से रसायन जैसे ही काम करेगा। ठीक है ना? ठीक है जी, मैं ये दवाई ले आई, ये खत्म होती है, मैं आपके पास। ठीक है ठीक है ठीक है, जो मैंने दिया है दवाई रसायन जो दिया है वो खत्म हो जाए, उसके बाद मुझे बात करना, फिर उसके जगह में मैं कुछ और दवाई दे देता हूँ आपको जो आंखों में भी काम करेगा और उसके शरीर का ग्रोथ, दिमाग का ग्रोथ होने में भी हेल्प करेगा, आंखों के लिए भी सही रहेगा। काफी समय हो गए, 3 साल हो गए शायद, है ना? हाँ जी, 3 साल हो गए, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अब। ठीक है बहन जी, कोई बात नहीं, जब वो रसायन खत्म हो जाए तो मैं आपको दूसरा रसायन कुछ दे देता हूँ, ठीक है, आंखों के लिए। ठीक ठीक है, अच्छा।